नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें आपका, हम लोग भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और विश्व का इतिहास देख चुके हैं। भारतीय कला और संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर को हम लोग देख रहे थे। तो इसमें आपका लास्ट लास्ट टॉपिक बचता था भारत में विश्व धरोहर स्मारक, जो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किए गए हैं भारत में, उनके बारे में हमें बात करनी है। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपका भारतीय कला और संस्कृति भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किए गए भारत में, इनकी हम लोग स्थिति देखेंगे और इनके बारे में जो प्रमुख तथ्य हैं उन्हें भी हम लोग जान लेंगे। तो पहले हम एक सामान्य परिचय देख लेते हैं, सामान देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, जयपुर सिटी राजस्थान, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश, चंपानेर पावागढ़ पुरातन उद्यान एक गुजरात में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई महाराष्ट्र में है, पुराने गोवा के चर्च एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, चोल मंदिर तमिलनाडु, हम्पी के स्मारक कर्नाटक तमिलनाडु, पत्तदकल के स्मारक कर्नाटक में। बने रही है इसमें, हम लोग मैम में भी इसकी स्थिति देखेंगे और इनकी पिक्चर्स भी देखेंगे कि कौन कहाँ है कैसा है, और इनके बारे में मुख्य तथ्य क्या है उन्हें भी देखेंगे, कब इन्हें इसका दर्जा मिला हुआ है, ठीक है, विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ा गया है। हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम में, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में, खजुराहो के स्मारक और मंदिर मध्य प्रदेश में, महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार, मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम में है, भारतीय पर्वतीय रेल नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य और फूलों की घाटी उत्तराखंड, कुतुब मीनार दिल्ली, भीमबेटका के पिस्तरखंड मध्य प्रदेश, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये आपका उड़ीसा में, सुंदरबन राष्ट्रीय अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, ताजमहल 1984 में ये आगरा उत्तर प्रदेश में। अब मैप्स में इनकी स्थिति देख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए, कालका शिमला रेलवे ये आपका कहाँ, हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सिकरी आगरा का किला, ताजमहल, लाल किला दिल्ली, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, फिर राजस्थान में केवला देव जंतर मंतर राजस्थान, राजस्थान के पहाड़ी ध्रुव, ठीक है, ये आपके हो गए राजस्थान में। गुजरात में आपका चंपानेर ये आपका गुजरात में हो गया, और फिर आपका ये मध्य प्रदेश सांची भीमबेटका खजुराहो ये आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। महाबोधि मंदिर ये है आपका कहाँ, ये है बिहार में, याद रखिए कहाँ है बिहार में। फिर है आपका असम में क्या है, ये है पर्वतीय रेल दार्जिलिंग, यह आपका मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, और यह आपका काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ठीक है। उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र चलते हैं, ये आपका सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अजंता एलोरा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एलिफेंटा, ये आपकी
महाराष्ट्र में हो गई। पश्चिमी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट है, सह्याद्री, और ये आपका गोवा हो गया। पट्टाक्कल, ये आपका और नीचे से आए हम लोग ये आपका कर्नाटक है, ठीक है, हम्पी, फिर है आपका तमिलनाडु, ये आपका है तमिलनाडु, ये पश्चिमी घाट है यहाँ, ठीक है, कर्नाटक, पश्चिमी घाट, केरल भी, तमिलनाडु में आप पर्वतीय रेल, नीलगिरी, चोल मंदिर और महाबलीपुरम, उड़ीसा में है आपका कोणार्क मंदिर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब देखिए ये आपकी क्रम बाई क्रम हम लोग देखते हैं। अजंता की गुफाएं, ये हैं आपकी अजंता की गुफाएं, देख लीजिए पिक्चर्स को, कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इन्हें कब जोड़ा गया, विश्व विरासत स्थलों में कब जोड़ा गया, 1983 में, ठीक है, 1983, याद रखना, अजंता की गुफा है आपकी महाराष्ट्र में। आगरा का किला, ये है आपका आगरा का किला, इसे कब जोड़ा गया, 1983 में, कब, 1983 में, ये आपका आगरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर आपका ताजमहल, ये आपका ताजमहल देख लीजिए, इसे कब जोड़ा गया, इसे भी 1983 में ही जोड़ा गया, कहाँ है, ये आगरा उत्तर प्रदेश में। फिर आपकी एलोरा गुफाएं, ये है आपकी एलोरा गुफाएं, इन्हें कब जोड़ा गया, 1983 में ही महाराष्ट्र में ही, कहाँ है, महाराष्ट्र में। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये आपका सूर्य मंदिर देख लीजिए, उड़ीसा में है, कहाँ है, उड़ीसा में, कब जोड़ा गया, ने 1984 में। महाबलीपुरम के स्मारक समूह, 1984 में ने शामिल किया गया, ये है आपके तमिलनाडु में, देख लीजिए ने। ये है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है, राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में, इन्हें कब जोड़ा गया, 1985 में, 1985 में। ये है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कब जोड़ा गया ना, 1985 में, कहाँ है, असम में। अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है, असम में, कब जोड़ा गया, ने विश्व विरासत स्थल में शामिल कब किया गया, 1985 में, देख लीजिए। फिर अगला है आपका गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट, ये है आपका, इसे आपका, ये गोवा में है, इसे कब जोड़ा गया, 1986 में, कब, 1986 में। हम्पी, ये आपका कर्नाटक में है, इसे भी आपका 1986 में ही जोड़ा गया, ये है आपका हम्पी। फतेहपुर सीकरी,
ये आपका फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, इसे भी आपका 1986 में ही जोड़ा गया था। खजुराहो के मंदिर में खजुराहो स्मारक समूह चंदेल राजाओं ने बनवाया था, मध्य प्रदेश में है, छतरपुर जिले में, ठीक है, इन्हें भी आपका 1986 में ही जोड़ा गया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पश्चिम बंगाल में है, इसे आपका 1987 में शामिल किया गया विश्व धरोहर स्थलों में। एलिफेंटा की गुफाएं ये आपकी महाराष्ट्र में है, कहाँ है, महाराष्ट्र में, 1987 में से शामिल किया गया। पत्तकल ये आपका कर्नाटक में है, इसे भी 1987 में ही शामिल किया गया। अगला है आपका महान चोल मंदिर, ये है आपका महान चोल मंदिर तमिलनाडु में है, इसे आपका 1987 में जोड़ा गया। 1987 में आपका पद्दतकल कर्नाटक को भी जोड़ा गया, महान चोल मंदिर को भी आपका जोड़ा गया। फिर आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी ये आपकी ये उत्तराखंड में है, इसे आपका 1988 फिर उसके बाद 2005, ठीक है। फिर आपका सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में है, इसे आपका 1989 में जोड़ा गया। फिर आपका हुमायूं का मकबरा ये आपका दिल्ली में है, इसे आपका 1993 में जोड़ा गया। ये आपकी कुतुब मीनार देख लीजिए, इसे ये भी दिल्ली में है आपकी, इसे भी आपका 1993 में ही जोड़ा गया। भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग ये है आपकी, इसे आपका 1999 में जोड़ा गया, कब, 1999 में। ये आपका बोधगया का महाबोधि बिहार है, इस ये बिहार में है आपका, 2002 में जोड़ा गया इसे। भीमबेटका शैलाश है ये आपकी मध्य प्रदेश में है, 2003 में से शामिल किया गया। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान ये आपका गुजरात में है, इसे आपका 2004 में शामिल किया गया। शिवाजी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में से शामिल किया गया, ये महाराष्ट्र में आपका। दिल्ली का लाल किला ये है आपका, दिल्ली का लाल किला, इसे आपका 2007 में शामिल किया गया और ये आपका दिल्ली में है। जंतर मंतर जयपुर इसे 2010 में शामिल किया गया आपका, राजस्थान में है, ठीक है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक तमिलनाडु केरल में फैला हुआ है आपका पश्चिमी घाट, इसे आपका 2012 में शामिल किया गया था। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग ये आपका राजस्थान में है, इसे आपका 2013 में शामिल किया गया था। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में स्थित विभिन्न स्थलों की श्रृंखला है, वे एक राजपूती सैन्य पहाड़ी स्थापत्य कला का नमूना पेश करते हैं जिनकी पहचान उनके पहाड़ी शिखरों पर स्थित होने
वहाँ के भौगोलिक स्थिति का रक्षात्मक उपयोग करने से होती है। राजस्थान के ये दुर्ग व्यापक श्रृंखला के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में स्थित मजबूत राजपूत सैन्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दुर्गों से राजपूत रक्षात्मक वास्तुकला के विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है तथा ये राजपूत सैन्य वास्तुकला के उदाहरण हैं। राजपूत दुर्ग अपने बेमिसाल स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। अक्सर उनकी सीमा में कई बड़े क्षेत्र, यहाँ तक कि कई गांव भी सुरक्षा दीवारों के भीतर आ जाते थे। इन दुर्गों में चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, गागरौन दुर्ग, आमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग आते थे। इन किलों के परिसर में महल, हिंदू और जैन मंदिर, शहरी केंद्र और व्यापारिक केंद्र शामिल थे। आपका अगला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसे आपका 2014 में शामिल किया गया था। कब? 2014 में। रानी की बाव, ये आपकी रानी की बाव, इसे भी आपका 2014 में ही शामिल किया गया, ये गुजरात में है। नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय, ये आपका बिहार में है, इसे आपका 2016 में शामिल किया गया। बिहार में नालंदा पुरातत्व साइट सीखने का एक केंद्र और 13वीं सदी के लिए 3 शताब्दी ईसा पूर्व से एक बौद्ध मठ है। फिर आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका, ये सिक्किम में है, इसे भी आपका 2016 में ही शामिल किया गया। भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ली कुर्बुज़िए की वास्तुकला, वास्तुशिल्प, ये आपके चंडीगढ़ में है, इसे 2016 में शामिल किया गया था। कहाँ है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ की राजधानी परिसर सहित कई देशों में, देशों भर ली कुर्बुज़िए के वास्तुशिल्प काम आधुनिक आंदोलन के लिए उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में एक विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। फिर अगला है आपका अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, ये गुजरात में है आपका अहमदाबाद, इसे आपका 2017 में शामिल किया गया। गुजरात की 606 साल पुरानी सिटी अहमदाबाद अब विश्व धरोहर सिटी के नाम से जानी जाएगी। मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, ये आपका मुंबई में है, इसे आपका 2018 में शामिल किया गया। भारत के मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर संपदा की सूची में अंकित किया गया। यह नेडे बहरीन के मनामा में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 42वें सत्र में लिया गया था। फिर आपका गुलाबी शहर जयपुर, इसे आपका 2019 में शामिल किया गया। यूनेस्को ने शनिवार दोपहर ट्वीट किया था, 30 जून तक चली थी। भारत के राजस्थान में जयपुर शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के तौर पर चिन्हित किया गया। बाकू अजरबैजान में 30 जून से 10 जुलाई तक यूनेस्को की विश्व धरोहर कमेटी के 43वें सत्र के बाद इसकी घोषणा की गई थी। तो अगर पूछे कि ये 43वीं मीटिंग कहाँ हुई थी, सत्य तो इसका हुआ था अजरबैजान में, बाकू के अजरबैजान में। ये आपका गुलाबी शहर। तो ये थे आपके प्रमुख विश्व धरोहर स्थल। इसी के साथ आपका आर्ट एंड कल्चर भी खत्म हो गया। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में।